कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि इंजन साइड या डेक साइड किस साइड में सैलरी ज्यादा होता है, किस साइड में काम ज्यादा होता है। कोई एक लड़का बहुत बार कमेंट किया है, मैं देखा हूँ उस कमेंट बहुत बार हाईलाइट हो रहा था, तो इसीलिए मैं उस के ऊपर टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ कि किस साइड में सैलरी ज्यादा होता है, डेक या इंजन। मैं कुक के ऊपर भी बात करूंगा और डेक साइड में बहुत सारे, डेक और इंजन साइड में बहुत सारे और अदर रैंक्स भी होते हैं, उसके ऊपर भी बात करूंगा किसका काम ज्यादा है, किसका क्या सैलरी ज्यादा है, किसको कितना घंटे काम करना पड़ता है, उसके ऊपर बात करूंगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि सैलरी किस साइड ज्यादा है और काम किस साइड ज्यादा है, डेक या इंजन। तो डेक में पहले बार बता दू, ओस बोसन एवी ओएस ट्रेनी ओएस ये सब आते हैं। तो यहाँ पे जो भी काम वगैरह बाहर बाहर के साइड होता है, डेक साइड में जो भी ऊपर नेविगेशन मेंटेनेंस, बाहर का मेंटेनेंस, पेंटिंग चिपिंग ये सब करना पड़ता है, तो काम बहुत ज्यादा होता है डेक साइड का। और इंजन साइड का जो काम होता है वो अंदर होता है, इंजन के अंदर। तो दोनों का इंजन रूम में बहुत बड़े बड़े जहाज में बहुत बहुत बड़ा इंजन होता है, लेकिन हाँ छोटा जो भी टग वगैरह है तो होता है वहां पे थोड़ा सा इंजन छोटा होता है, इंजन रूम भी छोटा होता है और इंजन का काम भी थोड़ा सा कम होता है। अगर नया जहाज है तो, अगर पुराना टग रहा तो बहुत बहुत काम रहता है पुराने टग में, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत आते रहता है और इंजन का ही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाज चलना है तो इंजन से ही चलना है, तो इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत आते रहता है जो पुराने टग टग सप्लाई वेसल वगैरह है, तो वहां पे इंजन में काम कम रहता है। अगर नया हुआ तो, नया हुआ तो बहुत काम का मतलब काम कम रहता है, लेकिन आपको डेक साइड में काम हमेशा ही रहता है, क्योंकि आपको हर टाइम टग में जाओ सप्लाई वेसल में जाओ मूवमेंट करना है, आपको कास्ट ऑफ करना है, बर्थिंग करना है, तो ये सब हमेशा ही होता रहता है, ये सब काम तो करना ही। ऊपर से वो बाहर का है इसीलिए मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि रस्ट वगैरह आ जाता है बहुत जल्दी, रस्ट रस्ट आ जाता है तो उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन इंजन का काम बहुत मतलब नया टग सप्लाई वेसल में बहुत कम ही आता है, तो इसीलिए इंजन का बता सकते हो कि टग सप्लाई वेसल में काम कम है डेक के अनुसार। लेकिन आप अगर बड़े जहाज में जाओगे तो इंजन में हो या डेक में हो दोनों का काम सेम है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा इंजन होता है, बहुत सारे मशीनरीज होता है जो टग में होता ही नहीं है, टग सप्लाई वेसल में, तो वहां पे बहुत सारे काम ज्यादा रहते। तो वहां पे जो भी रैंक वगैरह है ऑयलर का, ऑयलर मोटरमैन आपका ओएस ट्रेनी ओएस सबका काम सेम होता है बड़े जहाज में, तो इसलिए मैं बड़े जहाज में कुछ अंतर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पे सबका काम। हाँ टैंकर में जाएंगे तो डेक साइड का थोड़ा अलग, वो टैंक क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वो अलग है, टैंकर में थोड़ा काम ज्यादा होता है, तो टैंकर में आप बोल सकते हो कि डेक साइड में थोड़ा काम ज्यादा है। लेकिन आप अगर एज ए जॉब के अनुसार भी देखोगे तो जॉब के अनुसार भी इसीलिए डेक में बहुत ज्यादा बंदे मतलब कंपनी भी रखता है और लेना भी पड़ता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ज्यादा वैकेंसीज भी आते हैं और काम भी बहुत ज्यादा होता है। इंजन साइड में अभी क्योंकि यूएमएस क्लास मशीनरीज आ गया है, इंजन आ गया है, अनमैन शिप वो छोड़ के जा सकते हैं आराम से, वो रूम में बैठ सकते हैं, रूम में उसका अलार्म वगैरह आ जाता है, तो वो इसीलिए नाइट वॉच भी नहीं रखना पड़ता है, मतलब इंजन रूम में घूम घूम के नाइट वॉच रखना नहीं पड़ता है, जो भी कुछ अलार्म वगैरह है उसका रूम में आ जाएगा तो आराम से वो जाके रूम में रह सकता है। तो ये जो नाइट वॉच वगैरह नहीं रखना पड़ता है, आपका अनमैनशिप आ गया है, तो इसके अनुसार मतलब इसके वजह से क्या हो रहा है, अभी नया जितने भी वेसल्स है वहां पे इंजन साइड में थोड़ा वैकेंसीज कम हो गया, मतलब वैकेंसीज ऑयलर और मतलब एक्सपीरियंस वालों का कम नहीं हुआ है, जो ट्रेनिंग वाइपर वाइपर में जाते हैं उसका वैकेंसीज बहुत कम हो गया, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनमैनशिप है तो कुछ करना है नहीं, और जो भी साफ वगैरह करना है वो ऑयलर मोटरमैन से करवा लेता है और वाइपर का जो काम है वो ऑयलर से ही करवा लेता है, इसीलिए वहां पे जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं बता दूं, टग सप्लाई वेसल में जाओगे तो डेक साइड में थोड़ा काम ज्यादा आपको लगेगा, इंजन साइड अगर पुराने, अगर नए टग है, नए टग सप्लाई वेसल है तो, और पुराने है तो फिर दोनों में काम सेम हो जाता है, तो और मेन फ्लीट में जाओगे तो दोनों में ही आपको करीब करीब सेम ही लगेगा। तो सैलरी के बारे में बात कर दूं, सैलरी दोनों का सेम है, आप डेक में जाओ आप इंजन में जाओ, ये जो ट्रेनिंग ओएस और इंजन में वाइपर या ट्रेनिंग वाइपर और डेक में एबी और इंजन में ऑयलर आपका मोटरमैन, ये जो सैलरी वगैरह है ये सब सेम है,
यहाँ पे आपका कोई भी अंतर नहीं है। आप टग में जाओ, आप सप्लाई वेसल में जाओ, आप बड़े जहाज में जाओ, आपका सैलरी आपको सेम मिलेगा। आप वो डिपेंड करता है, किसी का ज्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस है तो वो उसमें थोड़ा 100-200 डॉलर उसको ज्यादा मिल रहा है, और आपका थोड़ा 1 साल कम एक्सपीरियंस है तो आपको 100-200 डॉलर कम मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सैलरी जो स्ट्रक्चर है दोनों का सेम ही जाता है एट लास्ट 1800 डॉलर। मतलब एबी ऑयलर इंजिन में, एबी और डेक में, एबी और इंजिन में आपका ऑयलर का उसका सैलरी करीब करीब 1800-2000 बहुत कम ही जाता है, लेकिन फिर भी मतलब किसी किसी कंपनी में चला जाता है बहुत अच्छे, कोई आईटीएफ कंपनी में चला जाता है, लेकिन इतना पकड़ के चलो 1700-1800 डॉलर तक चला जाता है एबी और मोटरमैन का। और डेक में क्या होता है, डेक में आप जाओगे तो आपको और बड़ा होने का मौका मिलेगा, मतलब और एक पोस्ट है वो है बॉसन, जो इंजिन में नहीं है। इंजिन में आपका वाइपर, ट्रेनिंग वाइपर, वाइपर आप ऑयलर या मोटरमैन बन गए, बस उतना तक ही रुक जाएंगे। वहां पे बॉसन वगैरह का कुछ नहीं है कि क्रू का हेड कोई, लेकिन डेक में आप जाएंगे तो डेक में आपको क्रू का हेड एक मिलेगा जिसको बॉसन कहते हैं। वो 10-15 साल एक्सपीरियंस होने के बाद बॉसन बनाया जाता है, लेकिन बॉसन सिर्फ बड़े वेसल्स में होते हैं, छोटे वेसल्स में नहीं होते, छोटे वेसल्स में एबी तक ही होते हैं। तो बड़े वेसल्स में बॉसन वगैरह रखते हैं, छोटे वेसल्स मतलब टग सप्लाई वेसल का बात कर रहा हूँ, जो भी मेन फ्लीट वगैरह जो इतना भी है तो अच्छे कंपनीज में बॉसन रखते है। तो बॉसन का मतलब सैलरी भी और ज्यादा चला जाता है, 250 डॉलर तक भी चला जाता है, बहुत एक्सपीरियंस बॉसन हुआ तो 2200 डॉलर, 250 डॉलर इतना तक, मतलब 250 बोल रहे हैं सॉरी 2500 डॉलर, तो 2500 इतना डॉलर चला जाता है। तो इसीलिए आप डेक साइड में जाओगे तो ये एक बेनिफिट है कि आप बॉसन तक बन सकते हो, लेकिन इंजन में एबी ऑयलर तक, आपका ऑयलर मोटरमैन तक ही बनोगे जिसका सैलरी मिनिमम 1800 डॉलर जाता है। तो ये तो हो गया डेक इंजन का बात। और जो एक्स्ट्रा क्रू है, आप अगर इंजन में जाओगे, आप अगर फिटर का काम सीख लिए, वेल्डिंग का काम सीख लिए, तो आप फिटर बन सकते हो। फिटर का सैलरी भी अच्छे अच्छे कंपनीज में 2000-2200 आपका 2500 डॉलर तक भी सैलरी चला जाता है। तो आप इंजन से हो तो ये काम अगर आप सीख लिए, फिटर वगैरह का, वेल्डिंग वगैरह आपको आने लगा, फिटर का काम सीख लिए, तो आप फिटर बन सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। आप पंप मैन का काम आ गया, मोटर वगैरह ठीक करने का ये सब काम आ गया, तो आप पंप मैन बन सकते हो, पंप मैन का भी अच्छा खासा सैलरी जाता है। तो ये एक है। और मैं कुक का बता दूं, ये भी क्रू में ही आते हैं, तो कुक का भी अच्छा खासा सैलरी चला जाता है। कुक का आपका डेक इंजन से भी ज्यादा सैलरी चला जाता है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग भी ज्यादा ही होता है। जो आपका ट्रेनी होता है वहां पे कुक का, ट्रेनी कुक या असिस्टेंट कुक जिसको बोलते हैं, तो उसका भी सैलरी डेक इंजन वालों से थोड़ा ज्यादा ही सैलरी उसको मिलता है स्टार्टिंग में भी। और जब वो चीफ कुक भी बनते हैं उसका करीब करीब, मतलब जितना सैलरी आपका बॉसन और आपका फिटर को या पंपमैन को मिल जाता है, उतना ही सैलरी मतलब करीब 2200 आपका 2500 इतना डॉलर, उससे भी ज्यादा कभी कभी अच्छे कुक को मिल जाता है, क्योंकि चीफ कुक का काम बहुत ज्यादा होता है। हाँ, काम के मामले में चीफ कुक का काम बहुत ज्यादा होता है, तो लेकिन उसको सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। और आपको अगर अच्छे से खाना बनाना आता है तो आपको जॉब भी बहुत सही मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा जॉब। तो जो भी है मैं बता दिया किस साइड में क्या है, कुछ भी खराब नहीं है, किसी भी साइड में जाओ, लेकिन जिस साइड आपको इंटरेस्ट है उसी साइड में जाओ, मतलब जिस साइड में इंटरेस्ट नहीं है उधर चले जाओगे और फिर उधर काम करने में मन नहीं लगेगा फिर, क्योंकि आपको पूरा लाइफ बिताना है इस लाइन में। तो एक बार आ गए तो आपको जितना तक मतलब आप कर सकते हो आपको करना है, छोड़ना नहीं है। तो इस लाइन में आ रहे हो तो आप सोच समझ के आओ, और अगर आने के बाद लाइन भी चूज कर रहे हो तो आपको जिस साइड अच्छा लगे काम करने में, आप कॉलेज में पढ़ाई करो, देखो कौन सा साइड में आपको, क्योंकि कॉलेज में आपको जीप रेटिंग में दोनों साइड पढ़ाएगा, तो आप देखो कौन सा साइड आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई करने में, तो आप उस साइड चूज करके आप आगे अपना करियर बनाओ। और कुछ भी मुझे और एक्स्ट्रा पूछना हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, और मैं रिप्लाई तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर वो देख के, अगर वीडियो मेरे चैनल में नहीं है मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।